इचिरा को नूडल से बढ़कर मेरे लिए कोई और दवाई हो ही नहीं सकती। सच बता रहा हूँ, डॉक्टर ने मुझे आपके नूडल्स खाने के लिए ही कहा है। हाय शिशुने, आपको भी भूख लगी है क्या? शुक्रिया, फिर बस करो। अरे छोड़ो मुझे, अरे क्या बकवास है, मैं ठीक हूँ, मुझे जाने। तुम्हें लग रहा है? मैं बता रहा हूँ ना कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो आप यकीन क्यों नहीं कर रही? प्लीज मुझे जाने दीजिए, आप समझती क्यों नहीं? अरे सबका कोई फायदा नहीं, मुझे फौरन बाहर जाकर अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करनी होगी ताकि मैं स्ट्रांग बनूं। ओ हे सकुरा, मैं अभी तुम्हारी मदद जरूर करता, पर क्या करूं, मेरे हाथ जरा बंधे हुए हैं ना। मैं सब कुछ सिर्फ तुम्हारे भरोसे छोड़ रही थी, पर मुझे वो नहीं करना चाहिए, बल्कि अब तुमसे मिलने के बाद मेरी हिम्मत और बढ़ गई है। ओ सकुरा, तो चोरी छिपे हॉस्पिटल से सटक रहे थे? ए चिचोरे बाबा, वो मेरा है। क्या बात है? अपनी ट्रेनिंग के बारे में अभी सोच रहा था कि क्या हम उसे कुछ वक्त बाद नहीं कर सकते। मुझे अभी अभी याद आया कि मुझे पहले कुछ जरूरी कामों को पूरा करना है। अच्छा, तो ये है तुम्हारा जरूरी काम? सकुरा, जानती हूँ क्या सोच रहे हो, अकेले अपने दम पर सास्के को कभी नहीं बचा पाऊंगी। तुम वही करो जो तुम्हें ठीक लगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे अपने साथ आने देना होगा सकुरा। क्या चल रहा है चिल्लर पार्टी? तुम दोनों को लेडी होकागे ने एक खास मिशन सौंपा है, लेकिन इस काम के लिए 3 लोगों का स्क्वाड चाहिए, तो तुम दोनों मेरे अंडर काम करोगे, समझ गए ना? सच बात बोलूं, ये विलेज उतना खतरनाक नहीं है जितना आप बता रहे थे। लूची मारू यहाँ हर जगह मौजूद है। तो अब हम क्या करें छिछोरे बाबा? अबे बच्ची के सामने तो ऐसे मत बोला कर। अरे वो छोड़िए, ये बताइए आखिर इस हिडन साउंड विलेज की लोकेशन है कहाँ पर? मुझे भी नहीं पता। हर एक टाउन में वो खास जगह जरूर होती है जहाँ आराम और मौज मस्ती की जाए। मैंने ये वापस अपनी छिछोरा पंती करना शुरू कर देते बिना। तो सबसे पहला मिशन है जल्दी से कोई टाउन ढूंढना। दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा। चल पपलू जेब ढीली कर। क्या? जल्दी जल्दी निकाल, ऐसे कैसे निकलेगा? इतनी बार लूट चुके हो कि इतना ही बचा है। तुम दोनों इस सब में मत पड़ो, बस टाउन के बाहर मेरे आने का इंतजार करो। हर बार यही होता है, तो ये जानकारी जुटाने का चुनाव वो मुझे भी लगा चुके हैं। तुम सुंदरियाँ यहाँ क्या कर रही हो? ओ वैसे मुझे तो ऐसे सुंदर दोस्त जहाँ मिल जाए अच्छा ही लगता है। ये क्या? वो सब बाद में, पहले अपना पुराना बिल चुकता कर दो। ये मेरा बिल है? हंसते हंसते रोना पड़ गया। छिछोरे बाबा, आपने अब कौन सा नया कांड कर दिया? हमारे बैग! फिर आप ऐसी उल्टी सीधी हरकतें क्यों करते हैं? अपनी बकवास बंद करो और भागते रहो, भागो! तो कहाँ फंसा लिया है इसे, तुम्हें कभी सास्की को नहीं ढूंढ पाऊंगी। हम पे सिर्फ अपनी रिसर्च करना चाहते हो छिछोरे बाबा। आप जिस पिछले विलेज में हमें ले गए थे, वहाँ से हम मुश्किल से जान बचाकर भागे थे। हिडन साउंड विलेज को ढूंढने का बस यही एक तरीका है। तो चलो झमुरो आगे बढ़ो। ये कुछ ज्यादा ही खुश हैं। इनकी दुम हमेशा टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। ये लो, तुम दोनों अपने लिए कुछ खाना ले लो और टाउन के बाहर इंतजार करो। मैं खुद को खतरे में डालकर यहाँ का चप्पा चप्पा छान मारूंगा। इनका दिल तो कितना बड़ा है ना? एक बात बोलूं सकुरा, तुम्हें आँखों का चेकअप करवा लेना चाहिए। वो छिछोरे बाबा को जो करना है करने दो, हम अपनी तरफ से छानबीन करते हैं। नारुतो, इसकी हालत ठीक नहीं है। नारुतो, सब्स्टिट्यूशन जुत्सु। हाँ
वो तीनों बच कर निकल गए। ये तो बड़ी आसानी से जाल में फंस गया। अरे बेवकूफो, बातें करना बंद करो और इसे अभी के अभी ठिकाने लगा दो। इस लड़की की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर गलती कर दी बूढ़े, अब उसकी सजा भुगत। निंजा आर्ट नीडल चीजो। तुम लोग साउंड विलेज के बारे में जो भी जानते हो मुझे शराफत से बता दो और तुम लोग यहाँ से वन पीस कट पीस में निकलोगे। तो तू निंजा है? और अगर हूँ तो? तो अब ये खेल और दिलचस्प हो गया। तुम जानते नहीं हो तुम किसके आगे बकवास किए जा रहे हो। अबे मुंह का ढक्कन बंद कर, तुम निंजा के नाम पर कलंक हो। अब बहुत हो गई तेरी बक बक, और अब तू नहीं बचेगा। मुझे नहीं पता था मेरा पाला एक मास्टर से पड़ा है। मुझे क्या आप अपना नाम बता सकते हैं? यहाँ जो कोई मुझे नहीं जानता वो सुन ले मेरी महानता। हिडन लीफ विलेज का सबसे होनहार निंजा, जिसने अपना नाम रायते की तरह फैलाया, जिसके फैन है सबके चाचा और ताया, वो हूँ मैं द लेजेंडरी मास्टर चिराया। हमें माफ कीजिए। माफ कर दीजिए मास्टर चिराया। वाह भाई वाह, लगता है यहाँ भी मेरे नाम के काफी चर्चे हैं। हम फ्यूमा क्लैन से हैं। हम लैंड ऑफ द राइस पैडीज में रहने वाले कई क्लैंस में से एक थे, और फिर अचानक एक दिन वो आ गया। तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? वो ओरोचिमारू है। सब ठीक है, तुम अब सुरक्षित हो। सब ठीक है, मुझे नहीं लगता वो हमारे पीछे आएंगे। अब जब यहाँ कोई नहीं है तो चलो तुम्हारी उस चोट को देख लिया जाए। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। झांकना मना है। ये तो हद हो गई, बात बात पे मुझे मुक्के मार रही है। ये सुंदर कन्या यहाँ पर कहाँ से आई? अब थोड़ा थोड़ा समझ आया। मेरा नाम सासुने फुमा है, जिन्होंने हम पर हमला किया वो ओरोचिमारू के गार्ड्स हैं। वो साउंड निंजा क्लैन से हैं। क्या और कुछ है जो तुम बता सकती हो? दरअसल एक दिन साउंड विलेज का एक आदमी हमारे विलेज में आया। साउंड विलेज से आए उस आदमी ने हमसे कहा, अगर तुम हमारे लिए काम करो तुम्हें अपने शासक का सेवक बनने का मौका मिलेगा। से हमने अपनी तरफ से चुनकर हिडन साउंड विलेज वालों के साथ भेज दिया। अभी तक उसकी तरफ से कोई संदेश नहीं मिला ना? अब मेरी बारी है, मुझे राशि को बचाना होगा जैसे अब तक उसने मुझे बचाया। हमें भी साउंड विलेज जाना है सास्के को बचाने के लिए। तुम बिल्कुल चिंता मत करो सासुमे, मैं तुम्हारे कजिन को वापस ला कर ही रहूंगा। ये क्या है? वक्त है मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु का। ओके, तुम चाहे कहीं भी छिपे हो बोले, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। उसके क्लोन्स पक्के हैं? क्या ऐसे हो सकता है? निंजा आर्ट एंट लायन जुत्सु। समनिंग जुत्सु। बहुत हुआ, अब मेरी बारी। रसेंगान। यहाँ से अभी के अभी निकल चलो। नारुतो, ऐसा लगता है जैसे तुम कुछ भूल रहे हो। अच्छा हुआ तुम ठीक हो सास में। हाँ ये ठीक है, काम करते हैं। आप तो इससे दूर ही रहिए। ये क्या कह रही हो? तुम्हें क्या लगता है कि मैं बस इसके पास जाके रिसर्च करूंगा? मैं दिन भर के यही करता रहता हूँ।
और आप करते क्या हैं? सोच छोरे बाबा। अबे आखिरी बार बोल रहा हूँ कि मुझे इस नाम से मत बुलाना तुम। और भी बुरे नामों से बुला सकता हूँ। खैर इस लड़की का नाम है सासमी, ये फूमा क्लान की निंजा है। फिर से फूमा क्लान? हाँ। ये मैं क्या सुन रहा हूँ, आपने अपनी छिछोरापंती छोड़ के जानकारी जुटाने का काम कर दिया। ए पपलू, अगर सकूरा ने ये सब सुन लिया तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगी? मैंने बहुत पहले ही आपकी इज्जत करनी बंद कर दी थी। तो मतलब अब मैं ना घर का रहा ना घाट का। अगर तुम वाकई में, मैं रास्ता दिखा सकती हूँ। वही रास्ता है हिडन साउंड विलेज में जाने का। ओरोचिमारू का अड्डा उन पहाड़ों के पीछे कहीं छुपा हुआ है। चलते रहो और आगे बढ़ो। अरे रुक जाओ नेताजी। ये कैसी आवाज थी? कुछ नहीं है, जाने से पहले थोड़ी पेट पूजा हो जाए तो। आप नाश्ते के लिए रुक गए? नाश्ता तैयार है, आओ टूट पड़ो। पी लेते हैं। ये सब आपने हमारे लिए खुद बनाया? असल में रेस्टोरेंट में मुझे मेरी बेस्ट फ्रेंड मिली थी, उसने मेरे लिए बड़े प्यार से ये टेस्टी खाना बनाया सिर्फ मेरे लिए। ये लीजिए, चाय तैयार है। छिछोरे बाबा। अपना काम पूरा करते हैं। उनकी हार देखकर लॉर्ड और चिमारो खुश हो जाएंगे। बेहोश हो गए? मैंने तुम्हारा काम कर दिया, अब तुम मुझे अराशी के पास ले जाओगे, है ना? हाँ बिल्कुल। ऐसा मत करो, मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगी। तुम्हें लगता है हम बेवकूफ हैं? ओके सकुरा, पता नहीं तुमने उस बेचारी लड़की से ये घटिया काम क्यों करवाया, पर तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। तुमने बस उसे अपनी बातों में फंसा कर अपना काम करवाने पर मजबूर। तुम्हारा खेल खत्म। शैडो क्लोन जुत्सु। ये तुम क्या कर रही थी? रुकिए छिछोरे बाबा, आप जरा दो मिनट के लिए शांत हो जाइए, आप इस बात को जाने दीजिए। इसने अब तक जो कुछ भी किया है इसे उसकी सजा मिलकर ही रहेगी। तुम तुरंत उस होटल के लिए रवाना हो जाओगी जहां हांजाकी मौजूद है, और हम समझ लो कि ये तुम्हारे किए की सजा होगी। हांजाकी ने मुझे रेस्टोरेंट में महंगी महंगी डिशेस खिलाई थी और उनका बिल चुकाने के बदले। उन्हें समझना चाहिए था आप कुछ ऐसा ही बोलोगे। आप कभी नहीं सुधर सकते। वही है उसका अड्डा। तुमने अपना काम कर दिया है, अब बाकी हम पर छोड़ दो। संभल कर जाना। तुम सब मुझ पर छोड़ दो, मैं सब इतना अच्छे से करूंगा ना कि तुम फैन हो जाओगी मेरी। हाँ बस करो। लगता है यही एक अंदर जाने का रास्ता है। समनिंग जुत्सु। ये मेंढक बोल रहा है। वो रास्ता दिखाई दे रहा है, जाओ और उसे चेक करो। अरे नो टेंशन, साथ चलोगी क्या? क्या करूं, मेंढक देखकर मैं हमेशा डर जाती हूँ। रास्ता तो साफ है, मुझे यहाँ कोई गड़बड़ नहीं लगती। अभी तक तो मुझे यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल ही लग रहा है। हाँ, हमें सीधे चलना चाहिए, एकदम स्ट्रेट। नहीं रुक जाओ। अरे क्यों रोका भाई? ठीक है तो मैं अब इस रास्ते से जाऊंगा। ध्यान से सुनो, तुम्हारी असली मुश्किलें अब इस मोड़ के बाद शुरू होंगी। मैं और सकुरा बीच वाले रास्ते से जाएंगे। तो बचे हुए रास्ते से मैं जाता हूँ। सकुरा तुम जरा होशियार रहना। नारुतो संभाल कर। तेरे में दिखाई नहीं, मुझे क्या किसी को भी। सकुरा
मेरे सकुरा तुम मुझे यहाँ से जरा निकाल दोगी? पहले मुझे निकालिए तो बहन जी। तुम मुझे कितना परेशान करते हो।